नमस्कार, मैं अफरोज अली। आप देख रहे हैं एनी न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सिंदौली की, जहां पर नोएडा से पैदल चलकर एक युवक घर वापस लौटा है और उसके वापस लौटने पर पुलिस द्वारा और डॉक्टर वगैरह उसकी चेकिंग कराई गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर आए और उसको दवाएं दी। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने और कैसे उसको बताया। मीरगंज से राजू गंगवार पत्रकार की ये रिपोर्ट। हाँ तो भैया, आपके गाँव अलग रहना है, ठीक है? खाना उसको यही दोगे? हाँ, यही दे रहे हैं सर। हाँ, और गांव वालों को भी समझा दो, कोई घबरा नहीं, डरने की बात नहीं है, ठीक है? बाकी सर, गांव वाले कोई नहीं घबरा रहे हैं। हाँ? हमारे आस पड़ोस के मरे जा रहे हैं, ठीक है? उनको उनको बीमारी लगी जा रही है। क्या करना है, ये बच्चा अगर खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत बताता है, फौरन हमें कॉल करना है। हमारा नंबर तुम्हारे पास है, सुन भाई। दिन में तीन दो बार खाना दो, ठीक है? दिन में दो बार, हाँ, शाम सुबह सुबह शाम, खाना खाने के बाद सुबह शाम, सुबह शाम, दिन भर में एक बेटा, एक गोली और होगी यार, वो वही पड़ी है, लेकर आओ यार। तो खाना है रोज, इससे तुम्हारा गला, जो भी परेशानी होगी, जो पैरों में तुम्हारे दर्द है, चल के आए हो, सूजन है, इसे गर्म पानी से सिकवाओ। गर्म पानी से रोजी ना मुँह, हाँ, एक एक वो ले लो और उसमें डालो, ठीक है?